तथा पूका। सिद्धू मूसेवाला के पिता को मिली धमकी। क्या सिद्धू के बाद उनके पिता को मारना चाहते हैं गैंगस्टर? पाकिस्तानी नंबर से आए व्हाट्सएप मैसेज में लिखा, अब बापू तेरा नंबर। पिता ने कहा, लड़ाई अभी लंबी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत को लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। लगातार सिद्धू के कातिलों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन इसी बीच खबर मिल रही है कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के 2 महीने बाद उनके पिता को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी एक पोस्ट के जरिए मिली है। इस पोस्ट में लिखा है, अगला नंबर तेरा है बापू। मूसेवाला के पिता ने धमकी के बारे में पुलिस को जानकारी दे दी है। पुलिस इस मामले में अब आगे की जांच कर रही है, लेकिन इस मामले को लेकर अब पाकिस्तान को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब इस मामले की जांच हुई थी तो इसमें गैंगस्टर गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान का नाम सामने आना बड़ी बात है। पंजाब पुलिस के द्वारा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े हुए 2 शूटरों को बुधवार को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। इस एनकाउंटर के बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह शव की पहचान के लिए अस्पताल पहुंचे थे। शूटर जगरूप और मनप्रीत सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि पुलिस की कारगुजारी ठीक है, लेकिन 2 के एनकाउंटर से नहीं, जब तक मुकम्मल सफाया होगा तब संतुष्टि होगी। लड़ाई अभी लंबी है। इसके साथ ही उन्होंने एनकाउंटर में घायल हुए पुलिस कर्मियों से अमृतसर के अमनदीप अस्पताल में जाकर मुलाकात भी की थी। होना चाहिए, पर ये हरे शुरुआत है, हरे बहुत लड़ाई बहुत लंबी है।